हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विवेक वानखेड़े एंड वी आर स्टडिंग सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 12 का बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर। ओके, यहाँ पे कौन सा चैप्टर चल रहा है? बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज ये दोनों मिला के 6 मार्क्स के आते हैं और इन फ्यूचर कॉलेज में भी इसकी जरूरत पड़ सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, क्योंकि ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है और आजकल काफी सारे बच्चे अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं फॉरेन वाली कंपनीज के साथ जॉब करके या फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग वगैरह करके। तो ये चैप्टर थोड़ा सा एक ग्लिम्स देगा आपको उसके बारे में, नॉट एग्जैक्टली अबाउट योर बिजनेस बट अबाउट ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। फाइन, और वीडियो के बारे में एक रूल चैप्टर की स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज समझ ना आए उसको प्लीज पॉज करो, थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ और वापस से उसको एक बार सुन लो तो आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, ओके फाइन। और इसको आप ऐसे क्लास भी अटेंड कर सकते हो, मतलब सुनते सुनते आप कुछ लिख भी सकते हो नोट्स, दैट विल हेल्प। सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये यूजुअली देखो नाम में क्या रखा है, मैं कई बार आपको बताता हूँ कि नाम से ही चीजें याद रखनी चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट इस नाम में क्या है कि ये कुछ पेमेंट्स को बैलेंस करने के बारे में शायद बात हो रही है, यानी कि मतलब कहीं पे कोई पेमेंट करी गई होंगी या फिर शायद पेमेंट रिसीव की गई होंगी, वो नहीं कि पेमेंट की है या पेमेंट आई है, लेकिन उनके बैलेंस के बारे में शायद ये कुछ है। तो नाम से हमको समझ आता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है। ये एक रिकॉर्ड बुक है, एक रिकॉर्ड बुक है जहां पे आप कुछ पेमेंट्स की जो आपके पास आए हैं और कुछ पेमेंट जो आपने दिए हैं उनकी एंट्री रखते हैं। लेकिन ये पेमेंट कोई ऐसे वैसे पेमेंट नहीं है, ये पेमेंट, ये ट्रांजैक्शंस, ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस देश के रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच हुए, यानी कि वो लोग जो देश के रेसिडेंट्स हैं उनके और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, पैसे से रिलेटेड कोई भी लेन देन, वो यहाँ पे नोट किया जाता है। फिर तो लेट अस सी द डेफिनेशन। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि डेफिनेशन को ब्रेक करके याद करना बड़ा आसान रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को प्यार से बीओबी बोलते हैं। ओके, वैसे एग्जाम में आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ही लिखना है। देन इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है किसका, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेसिडेंट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में बताता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो अकाउंट्स, आपको पता है कि जब भी आप अकाउंट्स के कोई स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि वो एक बार बना दिया तो अब वो हर बार अप्लीकेबल, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का स्टेटमेंट है। ये भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुए हैं बिटवीन रेसिडेंट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उनको जहां पर रिकॉर्ड करके रखा जाता है उस रिकॉर्ड बुक को, उस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बड़ा ही इजी सा, आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा अड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ पहली चीज देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ना नंबर्स दे रहे हैं रेसिडेंट्स के साथ, ये वन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इनके बारे में हम एक दो तीन करके पढ़ेंगे तो चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा। सबसे पहले रेसिडेंट्स। अब रेसिडेंट्स कौन है? तो रेसिडेंट्स कैन बी इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। ऐसा नहीं कि रेसिडेंट बोला तो मतलब बस एक आप रह रहे हो तो आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपने कोई कंपनी खोली हुई है, किसी और ने कोई कंपनी खोली है, उनका कोई ट्रांजेक्शन है, कोई ऐसी कंपनी है जो है किसी और की, लेकिन दैट इज रेसिडेंट हियर। तो रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट टैक्सेशन में आता है, टैक्सेशन में वो जानते हैं कि भाई रेसिडेंट है या नहीं है, यदि रेसिडेंट है तो फिर उसको टैक्स लगाते हैं। तो वो लोग जो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इस कंट्री के रेसिडेंट्स हैं उनके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या हो, तो वो पैसे का जो भी लेन देन है वो। अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस कौन से हैं वो सेकंड है, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इस रेसिडेंट्स में कौन कौन नहीं आते? जो डिप्लोमैट्स होते हैं, टूरिस्ट वगैरह, माइग्रेटरी वर्कर्स, यानी कि जो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे आए हैं और वो यहाँ के रेसिडेंट्स नहीं कहला रहे, यानी कि उनपे यहाँ का टैक्स नहीं अप्लीकेबल होगा, उन लोगों को हम रेसिडेंट
नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों पे यहाँ का टैक्स नहीं लगेगा वो लोग यहाँ के रेसिडेंट नहीं है, तो उनके ट्रांजैक्शन हम काउंट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो रेसिडेंट है ही नहीं उसका काउंट नहीं करेंगे, उसको करना दो ट्रांजेक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको किससे फर्क पड़ता है? जो रेसिडेंट है और वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजेक्शन है, तो ये रेसिडेंट और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या ट्रांजेक्शन है। अब कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कोई एक तो होता नहीं, तो कौन सा होता है वो देखते हैं। तो ये रहे हमारे इकोनॉमिक आइटम्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सेकेंड चीज जो हमने डाली थी वहां पे डेफिनेशन की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की कुछ कैटेगरीज होती है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है क्या? विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी और एसेट्स। मतलब जहां पे कि ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, यानी कि किसी एक की चीज किसी दूसरे को दी जा रही हो, या ये कहा जाए सपोज मार्कर है, मार्कर अभी मेरा है, इफ आई गिव दिस मार्कर टू यू और इफ आई सेल दिस मार्कर टू यू, देन नाउ दिस मार्कर विल बी योर्स। सो आइदर मैं आपको इसे बेच सकता हूं या फिर मैं आपको इसे सिर्फ दे सकता हूं। तो आई कैन आइदर गिव इट टू यू और आई कैन सेल इट टू यू, इन बोथ द कंडीशंस द ओनरशिप विल बी योर्स। ओके, सो ओनरशिप या टाइटल का ट्रांसफर जब कहीं भी होता है तो उसको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना किस कितनी कैटेगरीज होती है। अब ट्रांजेक्शन तो है पर कुछ कैटेगरीज तो होंगी। तो पहली कैटेगरी है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब वो वाले आइटम जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ऐसे आइटम्स, ऐसे गुड्स जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। गुड्स का तो ये गुड है, इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। तो ऐसे गुड्स को जिनको बाहर भेजा जाता है या बाहर से यहां बुलवाया जाता है वो विजिबल आइटम्स, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के विजिबल आइटम्स। दूसरा इनविजिबल आइटम्स, ऐसी सर्विसेज जिनको कि टच नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, विच कैन नॉट बी सीन, फेल्ट, टच्ड और मेजर्ड, लाइक बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस वगैरह। अब ये इंश्योरेंस होता तो है बट देन इंश्योरेंस कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है कि मैंने आपको इंश्योरेंस दे दिया। इंश्योरेंस करने के लिए आप डॉक्यूमेंट फिल करते हो, वो सपोर्ट आइटम है, लेकिन वो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस नहीं है ना। ओके, इंश्योरेंस कुछ और है। तो इंश्योरेंस इज समथिंग विच रिस्क कवर, या शिपिंग, दैट शिप इज नॉट योर्स, दैट वेसल इज नॉट योर्स, बट दैट सर्विस की वो एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचा सकता है, दैट शिपिंग, दैट पर्टिकुलर सर्विस यू हैव रिसीव, बट जिस चीज से वो सर्विस दी जा रही है वो चीज आपकी नहीं, वो सपोर्टिंग आइटम्स। तो इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज आएंगी, इतना ध्यान रखना, इनविजिबल में सर्विसेज आएंगी। यहां पे गुड्स, यहां पे सर्विसेज। अब गुड्स और सर्विसेज के अलावा और क्या बचता है? ये देखो, यूनिलैटरल ट्रांसफर, वन साइडेड मतलब वन साइडेड से एक ही चीज दिमाग में आती है वो नहीं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन, यानी कि एक तरफा पेमेंट, मतलब जिसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हमने किसी को डोनेशन दिया, हमने कहीं पे गिफ्ट दिया। रेमिटेंसेस ये वर्ड आता है जब बाहर कोई बच्चा गया है वो अपने पेरेंट्स को कुछ पैसे भेजता है, या यहाँ से कोई अपने बच्चे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पैसा भेजता है। सो दैट रेमिटेंसेस आर वन साइडेड ट्रांजेक्शन और यूनिलैटरल ट्रांसफर जिसको कहा जाता है। तो ये वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं। अब ये ना तो गुड का हिस्सा है ना तो सर्विस का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे आप गुड खरीद रहे हो बदले में पैसा ले रहे हो, यहाँ पे आप सर्विस ले रहे हो बदले में पैसा ले रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ एक साइड से दूसरी साइड पहुंचा रहे हो बदले में आप कुछ नहीं चाह रहे। सो दिस इज समथिंग वेयर नो क्लेम फॉर रीपेमेंट, यहाँ पे कोई रीपेमेंट का क्लेम नहीं। तो ये क्या है? यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये तीसरा वाला कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी कैपिटल ट्रांसफर। अब देखो यहाँ पे सामान आ गया, यहाँ पे सर्विस आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट खरीदा, लैंड खरीदा या लैंड बेचा, या फिर आपने कोई बोरोइंग की किसी तरीके की, तो वो वाले ट्रांजेक्शन कहाँ किए जाएंगे? क्योंकि वो आपकी एसेट या लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगे, तो वो वाली चीजें आपकी आएंगी कैपिटल ट्रांसफर। नाउ फॉर एग्जांपल ऐसा कई बार हो सकता है बच्चों को कंफ्यूजन, ये मार्कर मैंने खरीदा तो मैं कहूंगा कि हाँ ये भी तो एसेट है ना, ये भी तो कैपिटल है, मतलब बट वी एज अ कॉमर्स और एज अ अकाउंट स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि दिस एंड एसेट इज समथिंग डिफरेंट, एसेट इज समथिंग वी लुक फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और वो कुछ और चीज होती है।
तो उसको हम एसेट कहते हैं, ये एसेट नहीं है, इट इज अ गुड। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। चार टाइप की चीजें हैं, चार कैटेगरीज हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। तो ये चार कैटेगरी के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं। हमने क्या देखा था अभी, रेसिडेंट्स कौन कौन होते हैं वो देख लिया, अभी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब एक लास्ट चीज ये देख लेते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ओके, सो दैट विल सी व्हाई इट इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये डबल एंट्री सिस्टम को यूज करता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब आप जानते हैं कि एक क्रेडिट साइड होगा, एक डेबिट साइड होगा, दो साइड्स रहते हैं ट्रांजेक्शन के। क्रेडिट साइड में यू नोट द इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि देखो फॉरेन के साथ डीलिंग हो रही है, मतलब डेफिनेटली फॉरेन से पैसा आ रहा है, तो वहां से जो इनफ्लो होता है, पैसे का इनफ्लो होता है, उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, और पैसे का आउटफ्लो होता है उसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब यहां पे एक समझने की बात है कि जब पैसे का इनफ्लो हुआ होगा, पैसे का इनफ्लो हुआ होगा तो सामान का, गुड्स का, सर्विसेज का क्या हुआ होगा, एक्सपोर्ट होगा कि इम्पोर्ट होगा, सोचो। पैसे का इनफ्लो हुआ है मतलब सामान का एक्सपोर्ट हुआ होगा, इसलिए क्रेडिट साइड में एक्सपोर्ट वाले आइटम्स लिख देते, डेबिट साइड में इंपोर्ट वाले आइटम्स लिख देते। तो कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है कि वो गुड्स की बात कर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि करेंसी की बात चल रही है, इसलिए ये ध्यान रखना, एक ही कोई भी ध्यान रखो, क्रेडिट साइड में इनफ्लो लिखते हैं, बस दैट से। इनफ्लो जब मैं कह रहा हूं तो मैं इनफ्लो गुड्स के बारे में कहूंगा ही नहीं, मुझे गुड्स के बारे में कहना है तो मैं इंपोर्ट कहूंगा, इनफ्लो एंड इंपोर्ट अलग अलग चीज है। ओके, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिटन इन क्रेडिट साइड, आउटफ्लो इज रिटन इन डेबिट साइड। नाउ सिंस देयर आर टू साइड्स, इट कैन आइदर बी बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। ये तो हमारा पुराना ही आ गया गवर्नमेंट बजट वाला, कि या तो ये बैलेंस्ड होगा, या तो ये सरप्लस में होगा, या तो डेफिसिट में होगा। बैलेंस तो हम जानते ही हैं, दोनों साइड बराबर होंगी तो बैलेंस है। यदि क्रेडिट साइड बड़ी हो गई डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, यानी कि एक्सपोर्ट बड़ा हो गया इंपोर्ट से, यानी कि सप्लाई ज्यादा किया सामान को, इसको पॉज करके रिमाइंड करके सुन लेना एक बार, क्रेडिट साइड यदि डेबिट साइड से ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड डेबिट से ज्यादा हो गई मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया मतलब देश चीजें सप्लाई ज्यादा कर रहा है और मंगवा कम रहा है, तो सप्लाई ज्यादा कर रहा है मतलब पैसे का इनफ्लो ज्यादा हुआ, तो इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, तो सरप्लस है, हमारे पास एक्सेस में रहेगा फॉरेन का एक्सचेंज। ठीक इसका उल्टा डेफिसिट में, जब आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा रहेगा मतलब पैसा बाहर ज्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है पैसा, तब डेफिसिट में, और उस केस में जब बाहर ज्यादा जा रहा है मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, लोग यहाँ वाले लोग सामान ज्यादा मंगवा रहे बाहर से, इसलिए पैसा बाहर चला जा रहा है, एंड दैट इज डेफिसिट। तो ये बजट इन तीनों में से कुछ हो सकता है। एज अ अकाउंट आप इसको देखें, अकाउंटिंग के नजर से देखें तो ये हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो वो कभी बैलेंस होता नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसा होगा नहीं ना हमेशा कि जितने का एक्सपोर्ट होगा उतने का ही इम्पोर्ट होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता है, तो बैलेंस नहीं होता। एंड लास्ट थिंग, कि दिस इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फ्लो कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा था, नेशनल इनकम में पढ़ा था। फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट व्हेन इट इज और व्हेन एनी ट्रांजेक्शन इज गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देते तो फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देते तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक और फ्लो वाला यहाँ पे है। तो ये आपका बेसिक था, इंट्रोडक्शन था बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का, जिसमें हमने अभी ये तीनों चीजें देख ली, और ये हमारा वीडियो नंबर 1। तो अभी इसको आप शांति से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब इसके आगे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।